I would like to introduce. अब हम चल रहे हैं अपनी फोर्थ होगी ना ट्रिग्नोमेट्री की फोर्थ वीडियो, तो लगे रहिए और ट्रिग्नोमेट्री सीखते रहिए। ठीक है ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। टेन थीटा इक्वल टू 1/√7 दिया है, तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1 एंड हियर √7। तो हमको हाइपोटेनस निकाल लेना चाहिए क्योंकि इसमें हाइपोटेनस नहीं है। तो देखिए, हाइपोटेनस के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस जो भी आप माने, तो ये 7 ये 1 दैट इज 8, सही है। अब इसका स्क्वायर हटा दोगे, रूट लगा दोगे, 2 × 2 × 2, तो यहां पर से पेयर निकल आएगा 2 का, तो ये 2√2 हो गया। ठीक है, तो यहां हमने लिख लिया 2√2, क्लियर। अब उसके बाद में हमें चाहिए थी कोसेक और सेक की वैल्यूज, तो देखिए मैंने कोसेक ये लिख लिया है। कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हमको उसकी वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो कोसेक मिल जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक इसी तरीके से सेक रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो ये वैल्यू बना दी। अब हम अपने इस पार दिए हुए रिलेशन में वैल्यू रखते हैं। ठीक है, यहां पर ये स्क्वायर में है तो मैं इनको यहां पर स्क्वायर कर लेता हूं। ठीक तो ये 8 हो जाएगा। देखिए ये है 2√2/√7, वो बाय मिस्टेक 7 लिख गया था यार, पता नहीं क्यों मिस्टेक हो जाती है, 8/7 हो गया। ठीक है, अब सही है यार, वो रूट लिखने से रह गया था। तो यहां पर वैल्यू है कि 8/7 सही है। हाँ बिल्कुल सही है, कंफर्म करके रख लिया करो। अब यहां से मैं ना 8 कॉमन ले लेता हूं यार, 1 − 1/7 बच जाएगा, और यहां से 8 कॉमन लिया तो 1 + 1/7, क्या बात है। 8 कैंसिल बाय 8, 7 × −1 = 6/7, एंड 7 × + 1 = 8/7, 7 कैंसिल बाय 7, तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट, 6/8 यानी कि 3/4। प्रूफ आ गया, समझ गए, अच्छे से उतार लेना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझिए। टेन थीटा इक्वल्स टू दिस, सब पाइथागोरस पर ही निकाल रहा हूं मैं। अब देखिए ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है, तो इस वैल्यू को निकालना तो आप सब जान ही गए होंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर ऑफ 20 एंड स्क्वायर ऑफ 21। ठीक है, और फिर इसका रूट, दैट इज 400 एंड इट इज 441, देन व्हाट डस कम्स आउट 841। तो टू कितने की वैल्यू हो रही है, इट इज 29/29, दैट इज 29। स्क्वायर सबको मालूम होना चाहिए, निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। चलिए फिर अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, जिसको थोड़ा इस अंदाज में लिख लेते हैं, 1 cos θ − sin θ। पहले मैं ऊपर की वैल्यू सेट कर लूँ, फिर वैल्यू रख लेंगे। ठीक है ना, पहले हाफ हाफ सॉल्व करते हैं। तो cos θ आधार बट ओ मतलब 21/29 एंड इट इज 20/21, सही है। देखिए दोनों की वैल्यूज मैंने ये सॉल्व कर ली हैं, अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लेना, उतार लेना। ठीक है, अब सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए न्यूमिनेटर की वैल्यू ये आई थी और डिनोमिनेटर की वैल्यू ये आई थी। ठीक है, ये मैंने वैल्यू रखकर और उसको सोल्व करके प्रूफ निकाल दिया है, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक छोटा सा इंजॉय हो जाए, मेरे अरमा मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये दुनिया मेरी फरमाइश नहीं है, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूँ, मेरी आंखों में गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो अब आप इधर आ जाइए।
देखिए मैंने इसमें कुछ बना दिया है, sec थीटा हमें ये दिया हुआ था, ये रिलेशन निकालना है, तो मैंने क्या किया, मैंने आपकी सेवा में वैल्यू तीनों निकाल दी। अब आप पूछेंगे कैसी, तो भाई मैं सब हर वीडियो में बता रहा हूँ, एक में डायरेक्ट निकाल के रख दी ये, ठीक है, इतनी वैल्यूज का हमें यहाँ पर काम पड़ गया है। तो सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं, सबसे पहले न्यूमिरेटर की जगह जो वैल्यू रखी है वो निकालते हैं। तो साइन थीटा है 3/5 और कोस थीटा है 4/5। 3/5 माइनस 8/5, नाउ द रिजल्ट कम्स आउट। अब भाइयों अगर यहां पर भी प्रॉब्लम हो तो फिर बड़ी गड़बड़ है यार, अभी तो मैंने सही लिखी है ना, अभी तो सही लिखी है, देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है ना, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। tan थीटा 3/4, अभी ये अगला रिलेशन है tan थीटा माइनस cot थीटा, तो 3/4 और 4/3, हो गया काम, सही है सही है, ठीक है, मैं तेरे ख्वाब वापस कर रहा हूं, मेरी आंखों में अब गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो भाई ये न्यूमिरेटर की वैल्यू है, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है, यहां पर रख लें, अरे यार देखो ना, इसको आप उसकी जगह रख लो और इसको इसकी जगह रख लो, 12 जंप मारेगा और 0.7 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या ये भी बात बताऊं यार, प्रूफ आ तो गया, अब ये क्वेश्चन है और इसमें का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, लेकिन चलिए देते हैं क्वेश्चन आपको। वैसे का वैसा ही रहो, ये हो गया ये रिलेशन, ठीक है, इट इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड दिस रिलेशन। तो आप क्या करेंगे, आपको कोट थीटा में दिया हुआ है, यहां पर साइन कॉस है, तो क्यों ना हम यहां पर कोट पैदा कर दें, कोट बना दें। देखिए डिवाइडिंग बाई कोट बनाना है ना, तो कोस से साइन से डिवाइड कर दो, सही है, बाय साइन थीटा, तो अब यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 3 कोट थीटा, और यहां हो गया 2 और यहां हो गया 6 कोट थीटा। नाउ द रिजल्ट इज 3 एंड द कोट थीटा इज गिवन 2/3 एंड इट इज 2 प्लस 6 एंड इट इज 2/3, 3 3 जा 3 2 जा, तो नाउ द रिजल्ट कम्स आउट 4-2 एंड 2+2 विच इज 2/4, ये हो रहा है मल्टीप्लाई 4, तो 6 एंड दैट इज 2 1 जा 2 3 जा, ये रिलेशन दिया गया है। अब की बार 10th एग्जाम पार, देखिए 3 cot θ = 4, तो मैंने इसको cot θ को निकाल लिया, 3 इधर चला जाएगा डिवाइड करने, ये जो रिलेशन दिया हुआ 1 tan²θ / 1 tan²θ = cos²θ - sin²θ, क्या इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ये हमको प्रूफ करना है। क्या शेयर सुनाया था मैंने भी, हाँ बोल मत जाना। तो देखिए पहले मैं इसके लिए क्या करता हूँ, साइन और कोस की वैल्यू मैं निकाल लूँ, बस देखिए अभी देखिए मैं वैल्यूज निकाल चुका हूँ आपके सामने, ये आ गई, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब यार मेरे को ना पहले ये प्रूफ कर लेता हूँ, तो मेरे पास कोट थीटा इक्वल टू 4/3 है, अब कोट किसका रेसिप्रोकल, टेन का, अब भाई तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा, वैल्यू पलट दो, इससे ही वैल्यू निकाल दी, क्या बात है, अब यहाँ रख दो 1 tan²θ 3/4 का स्क्वायर, पहले मैं न्यूमिनेटर को सोल्व कर रहा हूँ, 1 - 9/16 एंड इट इज 16 - 9/16 एंड दैट इज 7/16, क्या बात है। अब डिनोमिनेटर को सोल्व कर लूँ, 1 + 3/4 तो 1 + 9/16
16 प्लस 9 बाई 16 25 अपॉन 16। तो अब क्या करना है, न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर वही जो वैल्यू दी हुई है आपको, तो ऊपर वाले की आ गया 7 बाई 16 और नीचे वाले का आ गया 25 अपॉन 16। 16 कैंसिल बाई 16, व्हाट डू यू गेट, 7 बाई 25। अब देखना यह है कि क्या ये भी इतनी वैल्यू देगा, तो भाई जल्दी से उतार लो, मैं स्वाइप करके उसकी निकालने जा रहा हूं। क्या वैल्यू आई थी, 7/25, यहां रख लें। ओ यस, cos थीटा है 4/5 का स्क्वायर, sin थीटा है 3/5 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो 16/25, 9/25, सिंस डिनोमिनेटर इज सेम सो यू विल राइट वंस टाइम, नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट व्हाट डू यू गेट, यू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। आपने देखा कि मैंने किस किस तरह के टफ क्वेश्चन पाइथागोरस से सॉल्व करके दिखाए आपको, और करें। चलो फिर एक और बता, अच्छे से समझ गए होंगे, उतार लेना। भाइयों नाराज मत होना, क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गया है, बट बताएंगे आपको कंप्लीट। हाँ देखिए, चलिए इससे आप जल्दी से पाइथागोरस बना रहे हैं, समझ लेना, बहुत अच्छे से इसको समझाने वाला हूँ। इट इज द फाइनल क्वेश्चन इन दिस वीडियो, ओके। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज 3 एंड दिस इज ओवर 3, 3/4 है हाइपोटेनस में, तो हो गया फिर तो काम भाई साहब, 16-9 √7 आ गया, ठीक है। तो बेस √7 आ गया, ठीक है जी। अब देखिए ओहो चलिए, साइन से कोसेक की तो कोई टेंशन नहीं है, तो उल्टे हैं, सेक किसका उल्टा, कोस का, कोस की वैल्यू निकाल लो, कोस थीटा जल्दी से बताओ कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा कितना हो गया, ये इसका रेसिप्रोकल है ना, मैं रेसिप्रोकल में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये बातें ध्यान रहे। तो 4/√7, क्या बात है, और कौन चाहिए, टैन को कोट चाहिए, कोट किसका उल्टा है नहीं बोलिए, टैन का, तो टैन थीटा की निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3, बेस √7, क्या बात है, सबकी वैल्यू निकालनी। अब मैं इनके एक साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू मैंने रख ली है, अब मैं पहले इसको सॉल्व कर लूँ, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इनकी वैल्यू रख लेंगे, फिर रूट निकाल लेंगे, ठीक है, आराम आराम से करेंगे यार, हमको आशिकी का वो जमाना याद है, चिक्की चिक्की आंसू बहनों याद है। कोसेक किसका उल्टा, साइन का, तो मैं इसकी वैल्यू को 4/3 लिख ले रहा हूँ, ठीक है। कोट, अबे यार कोट की वैल्यू उल्टी कर दो, टैन की √7/3 का स्क्वायर, तो इट इज 16, इट इज 9, इट इज 7, इट इज 9, ओहो रिमाइंडर इज सेम, ओ सॉरी डिनोमिनेटर इज सेम, 16-7 कितना बचा, मुझे बोलिए ना से 1 बच गया, चलो बच गया होगा भाई, हमें क्या, हम तो सॉल्व कर रहे हैं क्यों, चलो इधर आ जाओ, चिपकी चिपकी आंसू बहाने याद है, 4/√7 का स्क्वायर -1, 16/7, -1, 16-7/7 एंड व्हाट डू यू गेट हियर, 9/7, ठीक। अब ये वाला रिलेशन में यहाँ रख दूँ, देखिए यार ये आ जाइए इधर को आ जाइए आप, ऊपर तो आ गया 1, नीचे आ गया 9/7 और टोटल का रूट है, ये वैल्यूज मैंने यहाँ रख दी, तो ये 7 बेचारा ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे रह जाएगा, इसको स्क्वायर रूट करोगे तो ऊपर √7 हो गया और 9 का √3 हो गया, आ गया निकल के √7/3। अच्छे से नोट कर लेना, देखो ठीक है, खुश होना, ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे मैथ में ना क्वेश्चन होते हैं बहुत बहुत पढ़े,
अब हम इस स्टैंडर्ड पे सीखना चाह रहे हैं ना कि हम सीख ही जाएं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं, हमको इस वजह से कुछ इस लेवल पर सीखना पड़ रहा है। और सुनाओ, बाकी सारी वीडियो सही चल रही हैं, सही देख रहे हो? कहीं प्रॉब्लम और मिस्टेक हो तो बताते रहना यार, थोड़ा बस इतना करना, सब्सक्राइब करते रहना और बेल पर वो आइकॉन, बेल आइकॉन नहीं आता है, दबा देना उसे यार, वीडियोस मिलती रहेंगी आपको। बहुत दिन से यार फिजिक्स पे काम नहीं किया, कल करते हैं फिजिक्स पे काम, मजा आ जाएगा भाई साहब। और बाकी दुआ में याद रखें, अपना ध्यान रखें, टाइम से स्टडी करें, नींद भी लें, किसी को तकलीफ ना होने दें और ना ही खुद किसी को तकलीफ का कारण बनने का मौका दें, ठीक है? और साथ में आयु जिंदगी बहुत प्यारी है, बहुत सुनहरी है, बहुत अच्छी है, खुलकर जिएं, खूब जिएं, दुआओं के साथ जिएं, हर इंसान की दुआ लें। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगती हो और उसके दिल में घर कर जाए और मैंने यहाँ से खड़े होकर किसी एक का भी भला कर दिया, तो कुछ तो मैंने भी अपने जीवन में अच्छा कर लिया। इसी उम्मीद से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। बाकी भाई, जीवन में कमाने के लिए काफ़ी रास्ते हैं, मैं भी वो रास्तों से कमाता हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक शौक था कि यार अगर मेरे इस दिमाग से कुछ निकल कर किसी के काम में आ सकता है तो मुझे उसके लिए यहाँ पर 2 घंटे खड़े हो जाने में क्या इतराज़ है, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो। आपकी मदद मेरे लिए कोई अच्छा परिणाम लेकर आएगी, इट विल बी फ्रूटफुल एंड विल बी टेस्टी इन माई फ्यूचर। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ कंटिन्यू कोऑपरेटिंग मी, कंटिन्यू सपोर्टिंग मी, कंटिन्यू शेयरिंग मी, कंटिन्यू फॉलोइंग मी and continue send to your friends to subscribe me, okay? So this is why I request, and in the last, once again I will also will say all of you, please remember me in your prayers, in your time, in your love, okay? Thanks and very very thanks. Aur milte hain bahut hi jaldi phir ek naye aur acche khayalat ke sath. तब तक के लिए इस गुनाहगार को इजाज़त दें, खुदा हाफिज, शब बख़ैर, गुड नाइट, बाय बाय। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।